किशोर क्रांतिकारी हाथ में गीता लिए फांसी के फंदे पर झूल गया। क्या आप जानते हैं 11 अगस्त के दिन किस क्रांतिकारी को मात्र 18 साल की उम्र में फांसी दी गई थी? चलिए हम आपको बताते हैं आज का इतिहास। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। देश की आजादी की लड़ाई में कुछ नौजवानों का बलिदान इतना उद्वेलित करने वाला था कि उसने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम का रुख बदल कर रख दिया। इनमें एक नाम खुदीराम बोस का है, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल कुछ महीने थी। अंग्रेज सरकार उनकी निडरता और वीरता से इस कदर आतंकित था कि उनकी कम उम्र के बावजूद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ये साहसी किशोर हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गया। खुदीराम की लोकप्रियता का ये आलम था कि उनको फांसी दिए जाने के बाद बंगाल के चूल्हे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था, और बंगाल के नौजवान बड़े गर्व से वो धोती पहनकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।